हाय, मेरा नाम है मोहनीश। राजस्थान के जयपुर में रहने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला एक मिडिल क्लास 20 साल का स्टूडेंट, और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो मेरी जिंदगी की और आपके जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। कई बार सच की तलाश में, सच को ढूंढने के लिए जो हमें बताया जाता है, जो सुनकर हम बड़े होते हैं, उन सबको साइड में रख के सवाल पूछने होते हैं। और कई बार हम सवाल पूछना भूल जाते हैं, और ज्यादातर लोग जैसे जी रहे हैं हम भी वैसे ही जीने लगते हैं। कोरोना के कारण लॉकडाउन के टाइम पे मैंने कुछ डिस्कवर किया जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अगर आप सच की तलाश में मेरा साथ देंगे और आज तक आपको जो भी सिखाया गया है और जो भी बताया गया है उसको साइड में रख कर मेरे साथ बने रहेंगे सिर्फ थोड़ी देर के लिए, तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। तो हर ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली की तरह हमारे घर पे भी खाना एक बहुत बड़ी चीज थी। स्पेशली मैं धीरे धीरे जीने के लिए नहीं, खाने के लिए जीने लगा था। आई यूज टू लव आइसक्रीम्स। मैं आधे आधे लीटर का आइसक्रीम का पैकेट पूरा एक बार में खा जाया करता था। अगर मिठाई की बात करें तो मैं आधे आधे किलो का गुलाब जामुन और रसगुल्ले का डब्बा एक बार में खा जाया करता था। दूध की बात करें तो दूध बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं होता है, बट मैं ऐसा बच्चा था जो आधे आधे लीटर की दूध का पैकेट बॉर्नविटा मिला के और शरबत मिला के बहुत खुश होकर पिया करता था। और फिर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ नॉन वेजिटेरियन से। शामी कबाब, चिकन बर्गर, फ्राइड चिकन, बटर चिकन, हर जगह चिकन ही चिकन। मुझे नॉनवेज की लत लग चुकी थी। आई यूज टू लव नॉनवेज। और जो नॉनवेज नहीं खाते थे मुझे बहुत वियर्ड लगता था, बिकॉज मेरे लिए जिंदगी बहुत छोटी है और जिंदगी शायद केवल एक ही बार मिलती है, तो क्यों ना उसे अच्छे से जिया जाए। पर उसके कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस मुझे होने लगे थे। मेरे फेस के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल आने लगे थे। मुझे आज भी याद है, मैं स्कूल की ट्रिप में मुंबई में गया था और वहां पर वापस आते हुए ट्रेन में मेरी मैम ने मुझसे कहा था कि मोहनीश प्लीज अपने चेहरे पे एक रुमाल लगा लो क्योंकि बच्चे तुम्हारे पिंपल देख के डर रहे हैं। या दैट रियली हैपेंड। जहां तक मेरी वेट की बात है तो मुझे लगता था कि मेरे फैमिली में सब लोग ओवरवेट हैं, तो शायद इसीलिए मैं भी ओवरवेट हूं। और ये मानते हुए मैंने अपने वेट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन जिसने फिश, चिकन, पोर्क सब कुछ खाया, और इतना खाया कि मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं कि मेरी 20 साल की उम्र में मैंने इतना ज्यादा नॉनवेज खाया है कि शायद वो किसी 40 साल की उम्र के आदमी से ज्यादा होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि इतना हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन लवर इवेंचुअली वेजिटेरियन बना, और वेजिटेरियन ही नहीं वीगन बना। शुरू से ही मैं और मेरी फैमिली एनिमल्स के बहुत क्लोज रहे हैं, फिर चाहे वो डॉग्स हो, रैबिट्स हो, चिड़िया हो, गाय हो या कोई भी हो। शुरू से ही स्पेशली मेरा एनिमल्स के साथ में एक बहुत अलग कनेक्शन रहा है, और आज भी जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं पे जाता हूँ तो यूजुअली एनिमल्स मुझसे काफी अट्रैक्ट होते हैं। अब मैं फ्लॉन्ट नहीं करना चाहता, बट दैट इज अ फैक्ट, एंड आई यूज टू कॉल माई सेल्फ एन एनिमल लवर। बट देन ग्रेजुअली मुझे मेरी हिपोक्रेसी दिखने लगी। ऐसा क्यों है कि कुछ जानवर मेरे पेट हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली का पार्ट है, और कुछ जानवर मेरे पेट नहीं बल्कि मेरे पेट के लिए खाना है। स्पीशीज़म। मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता था, बट आई वॉज अ स्पीशीस्ट। कोरोना के टाइम पे हम सबके पास बहुत फ्री टाइम था, और शायद कोरोना हम सबके लिए एक मौका लेके आया था, एक मौका अपनी गलतियों को सुधारने का, और शायद एक वार्निंग भी कि हम जहां पर जा रहे हैं और हम जैसा बिहेव कर रहे हैं उसमें बदलाव लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि भले ही हम खुद को कितना भी सुपीरियर समझ ले, मदर नेचर से बड़ा कुछ भी नहीं है। कोरोना के आने से एक साल पहले ही 2019 के अंदर मैंने नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दिया था। वो मेरा खुद का एक मॉरल डिसीजन था। हालांकि मुझे शुरू से पता था कि नॉन वेज खाना मेरी हेल्थ के लिए और मेरे एथिक्स के लिए सही नहीं है, बट मैंने उसके बारे में इतना नहीं सोचा था। बट ग्रेजुअली मुझे चीजें थोड़ी और समझ आने लगी और मैंने इवेंचुअली 2019 के अंदर नॉन वेज खाना छोड़ दिया। एक साल तक नॉन वेज ना खाने के बाद असर ये हुआ कि आई लॉस्ट वेट, मेरे फेस के ऊपर से पिंपल्स गायब हो गए, एंड आई फेल्ट बेटर फिजिकली एंड आई फेल्ट बेटर मेंटली। Although मैं अभी भी मानता था कि हर किसी के पास चॉइस होती है, हर कोई चूज कर सकता है कि उसे क्या खाना है, क्या पहनना है और क्या करना है। बट लॉकडाउन के टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि हमें किसको खाना है ये चॉइस शायद जस्टिफाइड नहीं है। वो इसलिए क्योंकि चॉइसेस विल ओनली एग्जिस्ट इफ यू आर अवेयर, और अगर हम अवेयर ही नहीं है कि हमारी चॉइसेस के पीछे एक विक्टिम है और हमारी चॉइसेस किस तरीके से किसी और को इफेक्ट कर रही है, या फिर वो चॉइस हमने सिर्फ इग्नोरेंस के तौर पे और क्योंकि सब लोग ऐसा कर रहे हैं उस कारण वो चॉइस ली है, तो वो चॉइस नहीं है। और आज
मैं आपको अवेयर करने आया हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आज मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस सब्जेक्ट को लेके, अगर वो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा पाया या आप खुद उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करें, तो आप में से हर कोई सिर्फ और सिर्फ वीगनिज्म को फॉलो करेगा। अब आखिर ये वीगनिज्म है क्या और क्यों वीगनिज्म की ग्रोथ 500% हुई है? जल्द ही इस दुनिया में 100 मिलियन से भी ज्यादा वीगन्स होंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वेस की माने तो ग्लैडिएटर्स, जो हमारी हिस्ट्री के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हुआ करते थे, दे वर आल्सो मोस्टली प्लांट बेस्ड। अब वीगन आखिर होता क्या है? तो वीगनिज्म एक लाइफस्टाइल है। इफ यू आर फॉलोइंग वीगनिज्म, आप बेसिकली हर तरीके के एनिमल प्रोडक्ट को अपनी लाइफ में से हटा देते हैं, फिर चाहे वो मीट हो, फिर चाहे वो डेयरी हो, फिर चाहे वो लेदर हो। कि वीगन डाइट जो है वो सबसे हेल्दी डाइट है, और मैं तो सभी से कहूंगा कि आप वीगन डाइट फॉलो करें। I've been vegan since I was 3 years old. We feel that you don't have to rely on animal and its related violence to enjoy the taste and nutrition of meat. It just seems obvious. I don't want to cause pain to another living empathetic creature. It is about how this diet affects the world. I did it and I got stronger. I did it to take back my life. I did it to run faster and I ran faster the next day. I did it for my athletic performance and it worked. I made the switch at almost 40 for my health. I didn't need dairy milk to make Olympic history twice. Going back to cow's milk? No way. I made the switch for good. I am proud to be dairy free. My diet to a vegan diet, and I set all of my personal best at 30 years old. The oldest man ever to win a world or Olympic. A lot of people had doubted me when I first became vegan, but my energy levels increased incredibly. When I transitioned over to an entirely plant-based diet, I wasn't sure if I was going to survive, and I actually became like a machine. I recognized the fact that you really don't have to get your protein from meat or from animals. And, you know, the cholesterol went down to around 109. It was the lowest that it ever was in my entire life at 69. Lou is 60 years old. When I went from an animal-based diet to a plant-based diet, I'm more focused, I'm more relaxed, and I noticed that I have a lot more energy because of the plant-based diet. The largest, strongest terrestrial animals on the planet are all herbivores. The biggest, strongest animals are all herbivores. Before I was vegan, I was only bench pressing 315 like 5 times. And then after going vegan, I was doing 400, 425, 465. And I was like, oh my God, this is amazing. And when I went vegan, you know, I lost 15, 20 pounds. I was more agile, I was more efficient, more stamina in my body. So they're proving that you don't need to eat dead animals to be strong, to be healthy. I started working out when I was 47 years old. All the muscles you see, I gained as vegan. I would never not be vegan now that I know all the benefits and now that I know how it feels to be vegan. Every aspect of my life has been improved by adopting this lifestyle. Never thought that I could feel this good at this age, and I just want everybody to feel this way. I feel like a 20-year-old. I'm almost 50. क्या हुआ, आपको पता नहीं था कि ये सब वीगन है क्या? आपके दिमाग में अभी ये आ रहा है कि इतने सक्सेसफुल लोग और इतने सारे लोग वीगन डाइट को फॉलो क्यों कर रहे हैं? आखिर कोई दूध पीना क्यों छोड़ेगा? चलो ठीक है, मीट तो समझ में आता है, बट दूध क्यों? हमें तो बचपन से बताया गया है कि दूध, देसी घी, छाछ, दही, बटर, ये सब हमारी डाइट के लिए और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Thank you.
तो चलिए मैं आपको एक जर्नी पे ले चलता हूँ। हम तीन आस्पेक्ट पे एक वीगन डाइट को, एक नॉन वेजिटेरियन डाइट को और एक वेजिटेरियन डाइट को कंपेयर करेंगे। वो तीन आस्पेक्ट्स होंगे, सबसे पहले एनवायरनमेंट, दूसरा हमारी हेल्थ और तीसरा मॉरल्स। In 2019, humanity received a warning. 30 of the world's leading scientists released the results of a massive 3-year study into global agriculture and declared that meat production is destroying our planet and jeopardizing global health. We are being faced simultaneously with a series of humongous existential crises. Climate breakdown, ecological cascading collapse, the disappearance of insects. We are in the midst of the sixth mass extinction, and the extinction rate is up to 10,000 times faster than what is considered normal, with up to 200 species becoming extinct every single day. A report warning the world that unprecedented and immediate change is needed to prevent a climate catastrophe. If we want to save the planet, we need to change what we put on the table and how we produce food. But the clock is ticking. I mean, we're talking about the end of humanity as we know it. आँखों में भी जैसे मिर्ची डालते हैं, ऐसे जलन हो रही है आँखों में। कुदरत खतरे की घंटी पूरे जोर से बजा रही है। Either the world ends, or we all become vegan. हमें बहुत ही छोटी उम्र से ये सिखाया जाता है कि पानी बचाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को बचाना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक को यूज नहीं करना चाहिए और क्या कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब चीजों को करने के बाद भी इस प्लेनेट को बचाना और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और एक सस्टेनेबल लिविंग करना बहुत मुश्किल है, और ये सब करने के बाद इसका जो इम्पैक्ट होगा वो फिर भी बहुत छोटा होगा, लेकिन ओनली इफ मोस्ट ऑफ अस चूज द वीगन लाइफस्टाइल, देयर इज लिटरली नथिंग मोर इफेक्टिव दैट वी can do for our planet and for the future generations. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्थ के ऊपर केवल 30% लैंड है और 70% वाटर है। उस 29% या 30% लैंड में से भी केवल 71% ऐसा है जो एक्चुअली हैबिटेबल है, बाकी पूरा बैरन है या फिर ग्लेशियर्स है। और उस 70 में से भी केवल 50% ऐसा है जो कि हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, और उस 50% में से 77% हम यूज करते हैं एनिमल एग्रीकल्चर के लिए। एनिमल एग्रीकल्चर का सीधा सीधा मतलब होता है किसी भी जानवर की खेती करना, फिर चाहे वो मीट के लिए हो, फिर चाहे वो दूध के लिए हो, फिर चाहे वो लेदर के लिए हो या फिर किसी और एनिमल प्रोडक्ट के लिए। तो जरा सोच के देखिए, 77% ऑफ द लैंड केवल एनिमल एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एनिमल एग्रीकल्चर यानी कि आप क्या खाते हैं और आप क्या पीते हैं वो स्पीशीज एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा रीजन है। मछलियों को पकड़ने के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नेट समुद्र के अंदर बिछा दिया जाता है, और 1 पाउंड मछली पकड़ने के चक्कर में 5 पाउंड एक्स्ट्रा ऐसी मछलियां पकड़ी जाती है जो किसी काम की नहीं होती है कंज्यूमर्स के लिए, जैसे कि अलग अलग स्पीशीज की डॉल्फिन, व्हेल्स, सी टर्टल्स और शार्क, जिन्हें कहते हैं बाइकिल, यानी कि 5 गुना ज्यादा मछलियां ऐसी पकड़ी जाती हैं जो किसी काम की नहीं होती हैं, और बिन बात करोड़ों मछलियां इसी तरीके से हर दिन मर जाती हैं। इमेजिन करिए अगर ये सेम प्रोसेस अफ्रीका के जंगलों में हो रहा होता, जहां एक बड़ा सा नेट बिछा दिया जाता और एक जानवर को पकड़ने के चक्कर में 5 जानवर, लॉयन, जिराफ, एलिफेंट, ऑस्ट्रिच, सबको बाइकिल के अंदर पकड़ के मार दिया जाता, तो आज हम क्या कर रहे होते। बट ये सेम चीज हर रोज हो रही है, बस वो हमारी नजरों के सामने नहीं, पानी के नीचे हो रही है। एंड दिस इज एक्सपेक्टेड कि 2048 तक, आने वाले सिर्फ 30 सालों में, दी ओशंस विल गो फिशलेस, समुद्र के अंदर मछलियां ही नहीं बचेंगी। जिस स्पीड से हम उन्हें हंट करके मार रहे हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पॉपुलेशंस के अंदर,
हर सेकंड, जी हाँ, एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, एक मिनट नहीं, हर सेकंड 1 acre ऑफ लैंड क्लियर किया जाता है एनिमल एग्रीकल्चर के लिए, और हर दिन 150 से 200 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, 150-200 जानवर नहीं मर रहे हैं, 150-200 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, और हर सेकंड एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा लैंड क्लियर किया जा रहा है एनिमल एग्रीकल्चर के लिए। ये एक्सटिंक्शन की रेट यूएन के हिसाब से 1000 गुना ज्यादा है नेचुरल स्पीड से। और इतना सारा लैंड क्लियर करने के बाद भी हमें इन सब से जो कैलोरीज मिलती है वो हमारी टोटल कैलोरीज की केवल 18% कैलोरीज होती है, केवल 18। और हम सबके दिमाग में ये मिथ है कि प्रोटीन और कैल्शियम हमें केवल मीट और डेयरी से मिलता है, लेकिन शौक की बात ये है कि इतना लैंड क्लियर करने के बाद भी टोटल प्रोटीन एनिमल प्रोडक्ट से 37% ही मिलता है, बाकी सारा प्रोटीन हमें प्लांट से मिलता है। सिर्फ ये ही नहीं, 91% से भी ज्यादा अमेज़न डिस्ट्रक्शन और अमेज़न डिफॉरेस्टेशन एनिमल एग्रीकल्चर के कारण होता है। इसके अलावा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और ओशन डेड जोन्स का भी नंबर 1 रीजन एनिमल एग्रीकल्चर है। याद रखिए कि रेन फॉरेस्ट हमारी पृथ्वी के लंग्स हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, जिसे हम फिर इनहेल करते हैं। और उस लैंड का अगर 1 acre हर सेकंड क्लियर हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अब हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज अभी सबसे बड़ा क्राइसिस है जो पूरी ह्यूमैनिटी फेस कर रही है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये क्लाइमेट चेंज का 50% कल्प्रिट और जो रीजन है वो भी एनिमल एग्रीकल्चर है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं, फिर चाहे वो लैंड ट्रांसपोर्ट हो जैसे कि कार, बाइक, ट्रेन, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट हो जैसे कि एरोप्लेन, चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो जैसे कि शिप, इन सभी ट्रांसपोर्ट को अगर हम मिला दें और इनका जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है वो स्टिल एनिमल एग्रीकल्चर के ग्रीन हाउस एमिशन से कम है। सिर्फ ये ही नहीं, इन सारे जानवरों का जो बॉडी वेस्ट होता है और जो डंग होता है वो एक लीडिंग कॉज है मीथेन गैस एमिशन के लिए, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन का भी मेन रीजन एनिमल एग्रीकल्चर होता है। अब जब वाटर की बात हो ही रही है तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि 1 pound या फिर 1 kilo चिकन बनाने के लिए कितना पानी यूज होता है? मैं आपको बता दूं कि 1 kilo चिकन प्रोड्यूस करने के लिए 2000 से 3000 liter का पानी इस्तेमाल होता है। ये पानी 2 महीने तक नहाने के लिए एक इंसान के लिए काफी है। एनिमल एग्रीकल्चर अबाउट 27% ऑफ द फ्रेश वाटर इस्तेमाल करता है। सिर्फ 1 gallon मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए आपको उसका 1000 गुना पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत ही अनइमेजिनेबल है, वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है और बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने कम से कम 100 घंटों की रिसर्च इसके ऊपर लगाई है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और बहुत सारे डॉक्टर्स के इंटरव्यूज देखे हैं। उस हर चीज का लिंक मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा, और अगर आप ये इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। ये सब कुछ साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड है। अब हम जरा लैंड रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं और लैंड यूजेज की। तो एक वीगन को केवल 1/6 acre ऑफ अ लैंड की जरूरत है पूरे साल की नीड्स के लिए। एक वेजिटेरियन को 1/2 acre लैंड की जरूरत है पूरे साल की नीड के लिए, बट एक मीट ईटर को 3 acres ऑफ लैंड की जरूरत है पूरे साल की नीड के लिए, विच इज 18 times मोर देन द वीगन डाइट। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1.5 acre के लैंड पे हम 37,000 pound एग्रीकल्चर उगा सकते हैं, लेकिन उस सेम लैंड पे अगर हमें मीट प्रोडक्शन करना है तो वो केवल 375 pound होगा। तो एक वीगन होने से आप ना सिर्फ बहुत सारा लैंड बचा रहे हैं, बट आप 50% लेस CO2 एमिशन करेंगे। ना सिर्फ ये, आप सिर्फ 1/11th ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स का यूज करेंगे जो मीट ईटर के लिए किया जाता है, और केवल 1/13th ऑफ वाटर का यूज होगा आपकी डाइट के लिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक वीगन हर दिन 1100 gallon ऑफ वाटर, यानी कि लगभग 4000 liter पानी, लगभग 100 kilo ग्रेन, 30 square feet ऑफ फॉरेस्ट और लगभग 20 pound CO2 एमिशन और एक जानवर की जिंदगी रोज बचा सकते हैं। रोज ध्यान रखिए कि पूरी वर्ल्ड के अंदर जो खाना उगाया जाता है, जितना भी ग्रेन्स, चाहे वो कॉर्न हो, वीट हो, सोया हो, ओट हो, इन सब में से 75% ऑफ द फूड
केवल उन जानवरों के लिए उगाया जा रहा है ताकि बाद में हम उन जानवरों को खा सके, rather than eating the food directly। और आयरनी की बात ये है कि इतना सारा खाना होने के बावजूद एक मुर्गी कभी भूखी नहीं सोती फार्म हाउस में, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं। दिस इज इंसैनिटी। हमारी पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को हर दिन 5.2 बिलियन गैलन ऑफ वाटर और 21 बिलियन पाउंड ऑफ फूड की जरूरत है, लेकिन केवल कैटल उनके पॉपुलेशन को 45 बिलियन गैलन वाटर और 135 बिलियन पाउंड ऑफ फूड की जरूरत होती है। नाउ दिस इज अनइमेजिनेबल। द कैटल्स अलोन, जिनकी पॉपुलेशन ह्यूमन से कम है, दे अलोन कंज्यूम मोर ग्रेन दैट द होल ह्यूमन पॉपुलेशन नीड। अब शायद आप समझ पा रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज का कितना बुरी तरीके से मिसयूज किया जा रहा है केवल और केवल एनिमल एग्रीकल्चर के कारण। हम आए दिन ये सुनते रहते हैं कि धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो होने के कारण खाने की बहुत कमी हो गई है, बट द ट्रूथ इज कि हमारे पास ऑलरेडी 10, 12, 15 बिलियन लोगों के लिए खाना है, बट वो सारा खाना हम जानवरों को खिलाए जा रहे हैं ताकि हम बाद में उन जानवरों को खा सकें। अगर हम एनिमल एग्रीकल्चर को रोक दे तो 75% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड फ्री हो जाएगा, विच इज इक्वल टू पूरा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट। जस्ट इमेजिन, आप पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट इतने बड़े लैंड को वर्ल्ड में फ्री कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जानवरों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बिल्कुल नहीं है। हम कैटल्स को, पिग्स को, चिकन्स को, काउस को, इन सब को ब्रीड करते हैं, जबरदस्ती इनकी ब्रीडिंग करके इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है ताकि हमारी डिमांड को पूरा करा जा सके। तो ये था एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ एनिमल एग्रीकल्चर, द लीडिंग कॉज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, ह्यूमन डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओशन डेड जोन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वर्ल्ड हंगर एंड वाटर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो ध्यान रखिए कि आपकी प्लेट के अंदर कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, फिर चाहे वो दही हो, फिर चाहे वो मीट हो, इस पूरी दुनिया को बुरी तरह से इंपैक्ट कर रहा है। व्हाट एल्स डू यू नीड, व्हाट अदर रीजन डू यू नीड टू नॉट कंज्यूम एनिमल प्रोडक्ट? वेल, आई हैव मेनी ऑफ देम। There is a lot wrong with diets that are based on starvation or telling you you can't eat healthy complex carbs and things like that. And there's a lot of goofy diets out there. Putting ourselves into the most overweight and obese population in the history of the human race. And we have been putting the wrong fuel in our body. We live in a pill-popping generation. Everybody wants a pill for this or a pill for that. Big Pharma is in the business of us being sick. We've never had more pills in human history. And yet we've never had more chronic disease. I really believe that diet is the primary way that we need to change things. To the power of plant-based eating. What appears to be the most effective diet for weight loss just so happens to be the only diet ever proven to reverse heart disease. Cow's milk is baby calf growth food. That's what the stuff is. But a diet based on healthy vegetables and fruits and whole grains and beans is the fuel your body works on. With diet, a plant-based diet affects all these diseases. One diet to kind of rule them all. You can see that with every sequential reduction in animal products, people live longer, they have less heart disease, they have less cancer, they have less diabetes. Why isn't your doctor telling this? Odds are your doctor never learned any of this. Ironically, when patients come to doctors with questions, they assume that the doctor knows something about nutrition, and so it's kind of a double whammy that doctors haven't been taught much about nutrition. Our medical community in general has really focused on symptoms of disease. If you will, to have gone through 4 years of medical school and 6 years of training after medical school and never been introduced to the idea that you're health is so closely related to what you eat. Nutrition is really something that maybe you get 1 hour, maybe you get 2 hours. I hate to say it, but your physician probably knows less about nutrition than you do. I really still feel that it's nearly criminal. A plant-based diet could do reverse the number one killer of men and women. And the fact that it can also be so effective in treating, arresting, or reversing other leading killers like type 2 diabetes and high blood pressure would seem to make the case for plant-based eating simply overwhelming. Only one diet has ever been shown to do all that, a diet centered around whole plant food. Two
2005 के अराउंड यूएस के अंदर एक बुक रिलीज की गई थी जिसका नाम था द चाइना स्टडी। नाउ दिस वाज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑन न्यूट्रिशन एवर कंडक्टेड इन द वर्ल्ड। और अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी डेयरी को कल्प्रिट माना गया था बहुत सारी डिजीजेस के लिए, फिर चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस हो, फिर चाहे वो कैंसर हो, फिर चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, फिर चाहे वो हार्ट डिजीज हो। इस बुक के अंदर हेविली रिकमेंड किया गया था दैट प्लांट बेस्ड डाइट इज द ओनली वे टू गो। एंड ये बुक आज तक अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर न्यूट्रिशन के ऊपर लिखी गई बुक में से सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी दुनिया में डेथ का सबसे बड़ा कॉज क्या है, नंबर वन पे है हार्ट डिजीजेस और नंबर सेकंड पे है कैंसर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज और कैंसर जीन्स पर डिपेंड करते हैं और जेनेटिक्स से पास ऑन करते हैं। नाउ द थिंग इज कि ये पास ऑन जरूर कर जाते हैं लेकिन इनको स्टिम्युलाई करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअल में ये डिजीजेस जीन्स के ऊपर केवल 5-10% डिपेंड करती है, बाकी 90% हमारे हाथ में होता है कि हम क्या डाइट ले रहे हैं और उस डाइट का क्या असर हो रहा है उन जीन्स के ऊपर। और ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जो हार्ट डिजीजेस को और कैंसर को एनिमल प्रोडक्ट से लिंक करती हैं, फिर चाहे वो डेयरी हो या चाहे वो मीट हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया में आज तक केवल एक डाइट जिसने हार्ट डिजीज को ना केवल क्योर किया है बट उसे रिवर्स किया है। The only diet which can reverse heart disease is a plant-based vegan diet. According to the studies, अगर किसी वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ एंड शी रिकवर्ड फ्रॉम इट तो 49% चांस है कि एनिमल प्रोडक्ट के कारण ब्रेस्ट कैंसर से उसकी डेथ हो सकती है और 64% चांस है कि उसकी डेथ किसी भी रीजन से हो सकती है। और 2 वीक प्लांट बेस्ड डाइट ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करती है। और प्रोस्टेट कैंसर की अगर बात करें तो 34% चांसेस ज्यादा है प्रोस्टेट कैंसर होने के उस आदमी के जो एनिमल प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। एक वीगन मैन के ब्लड सेल्स के अंदर प्रोस्टेट कैंसर से लड़ने के लिए 8 times better strength होती है। Not only this, but comparatively, vegans have a very low chance of getting any kind of cancer, any kind of heart disease, diabetes, or even Alzheimer's और respiratory disease। Animal products के अंदर ऐसे बहुत सारे toxic और dangerous compounds पाए जाते हैं जो हमारी body के लिए extremely harmful होते हैं। For example, plants से हमें iron मिलता है लेकिन animal products के अंदर हमें मिलता है heme iron and TMAO और ये दोनों ही coronary heart disease के बहुत बड़े रीजन बन सकते हैं। इसके अलावा कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर हमारे मसल मास को रिड्यूस करता है और बॉडी फैट को इंक्रीज करता है लेकिन वीगन डाइट के अंदर ये कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बहुत कम पाया जाता है। इवन फिश के अंदर, सी फूड के अंदर जो हम कंपैरेटिवली हेल्दी मानते हैं, बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट्स जैसे कि मर्करी, पॉलीक्लोरीनेटेड बायफिनल्स यानी कि PCBs पाए जाते हैं। आपको ये सुन के शॉक होगा कि WHO की ऑफिशियल साइट के ऊपर कार्सिनोजेनिक कैटेगरी के ग्रुप 1 में यानी कि कैंसर कॉजिंग फूड के ग्रुप नंबर 1 के ऊपर टबैको और स्मोकिंग के साथ साथ सेम लेवल पे रखा गया है प्रोसेस्ड मीट को। यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट टबैको, स्मोकिंग और प्रोसेस्ड मीट तीनों सेम कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज इनका भी मेन रीजन केवल और केवल एनिमल प्रोडक्ट होता है। अब ध्यान रखिए, डायबिटीज शुगर के कारण नहीं होती है। जी, अगर आप ये सोचते हैं कि शुगर इज द रीजन, द मेन रीजन फॉर डायबिटीज, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। चलिए थोड़ा बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कोलेस्ट्रॉल। सो बेसिकली हर ह्यूमन बॉडी का लिवर उतना कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर लेता है जितना हमारी बॉडी को ऑलरेडी नीडेड होता है। उसके अलावा किसी भी सोर्स से कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम करना हमारी बॉडी के लिए बहुत बुरा है और उसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हम एनर्जी और कैलोरीज में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं बट कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जाके जम जाता है और बहुत दिक्कत करता है। और जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है वो सारा केवल और केवल एनिमल प्रोडक्ट के अंदर पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल इज द मेन रीजन विच इज गोइंग टू क्लॉग योर आर्टरीज, विच इज गोइंग टू मेक यू ओबेस एंड विच विल इफेक्ट योर ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। अ वीगन डाइट इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट फैट, तो फैट होते हैं 2 तरीके के, हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट और अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट। उसके अलावा ट्रांस फैट भी होते हैं जो
बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। अब हर एनिमल प्रोडक्ट भरा होता है कोलेस्ट्रॉल से, ट्रांस फैट से और सैचुरेटेड फैट से, जो हमारी बॉडी के लिए एक्सट्रीमली अनहेल्दी और डेंजरस है। मैं आपको बता दूं कि एक एग कंज्यूम करना 5 सिगरेट पीने के बराबर है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली हाई क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन एग। और अगर आप अभी मेरी बात से सहमत नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की गाइडलाइंस के अंडर आप एग के ऊपर कभी भी ये लेबल नहीं कर सकते कि एग आपके लिए सेफ है, एग आपके लिए हेल्दी है, एग लो फैट है, न्यूट्रिशियस है या लो कैलोरी है, बिकॉज इन रियलिटी एग हैज नथिंग टू डू विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल। इट इज फुल विद एनिमल कोलेस्ट्रॉल, फैट, ट्रांस फैट्स एंड नथिंग एल्स। एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से एक और जो बहुत बड़ी दिक्कत आती है वो है हमारे ब्लड फ्लो का फंक्शन, सो बेसिकली एंडोथीलियम फंक्शन। एंडोथीलियम होती है ब्लड वेसल्स की वॉल, और कोलेस्ट्रॉल और फैट कंज्यूम करने से ये सारा कोलेस्ट्रॉल और फैट हमारे ब्लड वेसल्स के बीच में फंस जाता है, और ये सालों में नहीं होता है, ये कुछ मिनटों में और कुछ घंटों में असर दिखाता है, जिसके कारण हमारी एक्सरसाइज करने के बाद या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद हमारा रिकवर करने का जो टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इन सब के कारण हमारा एंडोथीलियम बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लेम करने लगता है और हमारा स्टेमिना भी कम हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, एक वीगन डाइट और एक प्लांट बेस्ड डाइट लेने से आपका ब्लड फ्लो ब्लॉक होने के बजाय और ज्यादा फास्ट हो जाता है, आप जल्दी रिकवर कर पाते हैं और आप में स्टेमिना बढ़ता है। लेकिन अगर हम बात करें बॉडी बिल्डर्स की या आजकल के उस जनरेशन की जिसे जिम जाने का बड़ा शौक है और जो प्रोटीन ऑब्सेस्ड है, तो मैं आपका एक और मिथ बस्ट करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है प्रोटीन आखिर आता कहाँ से है? प्रोटीन आर बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो 21 अमीनो एसिड्स में से ऐसे 9 इसेंशियल फूड अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को बाहर के सोर्स से कंज्यूम करने पड़ते हैं, और ये 9 के 9 अमीनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं प्रोटीन, और ये सारे 9 अमीनो एसिड्स हर प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, और सिर्फ प्लांट के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि ये हवा में से नाइट्रोजन लेके अमीनो एसिड्स को बना सके। कोई भी जानवर प्रोटीन नहीं बना सकता है, तो बेसिकली हम दूसरे जानवरों को ये प्लांट्स ठुसा ठुसा के खिलाते हैं और उसके बाद में इन एनिमल्स को खाते हैं ताकि हमें वो प्रोटीन मिल सके, बजाय डायरेक्टली प्लांट से प्रोटीन लेने के। और अगर आप हर दिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कैलोरी कंजम्पशन वो है 2000 कैलोरीज, तो अगर आप 2000 कैलोरीज ले रहे हैं तो आपको जितना प्रोटीन चाहिए वो आपको किसी ना किसी सोर्स से मिल ही जाएगा। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न एट ऑल। इवन इफ यू लुक एट द परफेक्ट फूड विच वॉज मेड फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो है हमारी खुद की माँ का दूध, तो हमारी खुद की माँ के दूध के अंदर लोएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। 100 ग्राम ऑफ मिल्क के अंदर केवल 1 ग्राम का प्रोटीन होता है, विच इज लोएस्ट। नाउ दिस इज एविडेंट कि जो परफेक्ट ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन बॉडी के लिए बनाया गया है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा इतनी कम है, तो प्रोटीन इज नॉट समथिंग जो हमें इतना ज्यादा चाहिए। वी कैन गेट मोर देन इनफ प्रोटीन इजीली। एक और बात बता दूं कि एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन के अंदर बहुत फर्क होता है। प्लांट प्रोटीन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और बहुत सारा फाइबर होता है, बट ऑन द अदर हैंड एनिमल प्रोटीन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बात बताइए, आप दूध क्यों लेते हैं? मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट मिल्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कंज्यूमिंग कैल्शियम, राइट? दूध हमारी बोन्स को मजबूत करता है। अगर हम दूध नहीं पिएंगे तो हमारी बोन्स का क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंसानों ने केवल 7 से 10 हजार साल पहले से ही गाय का दूध पीना शुरू किया है। इट इज नॉट अ नेचुरल थिंग टू कंज्यूम मिल्क। मिल्क इज बेसिकली अ ग्रोथ फ्लूइड फॉर द काफ, एक बछड़े के लिए। एक गाय केवल अपने बछड़े के लिए दूध देती है। इंसान के लिए एक गाय के दूध की उतनी ही जरूरत है जितना एक कुत्ते के दूध की, एक जिराफ के दूध की या एक गधे के दूध की जरूरत है। हम बात कर रहे थे कैल्शियम की, तो मैं आपको बता दूं कि एनिमल प्रोटीन एसिडिक होता है और वो आपकी बॉडी में जाने के बाद में आपकी बॉडी को भी एसिडिक कर देता है, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी ने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है। वो सोल्यूशन है हमारी बोन्स इटसेल्फ। जी हाँ, जब हम एनिमल प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बोन्स में से कैल्शियम और फास्फोरस को यूज करके हमारी बॉडी उस एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, और इसी कारण स्टडीज हैव प्रूवन कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन वीकनेस और बोन की डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस जितनी ज्यादा डेयरी कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा पाया गया है। और डेयरी का और आप
आपकी बोन की हेल्थ का कोई रिलेशन नहीं है। एंड मिल्क इज नॉट दी ओनली सोर्स ऑफ कैल्शियम, लीफी वेजिटेबल्स के अंदर भी उतना ही कैल्शियम होता है जितना मिल्क के अंदर होता है, एंड दे आर मच बेटर बिकॉज ऑफ द प्लांट प्रोटीन। एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, बट व्हेन वी कम टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, सो रिमेंबर कि 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन फॉर 1 kg ऑफ योर वेट इज मोर देन इनफ। सो बेसिकली ये है ऑप्टिमम कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन विच योर बॉडी नीड्स। बट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बींग हु इज नॉट एन एथलीट और अ स्पोर्ट्समैन, द प्रोटीन कंजम्पशन इज मच मच लोअर। इट इज जस्ट अ मिथ। एंड लेट मी टेल यू, एनिमल प्रोटीन के कारण उसके अंदर जो नेचुरली अकरिंग ट्रांसफैट है और कोलेस्ट्रॉल है, इट कैन कॉज किडनी फंक्शंस टू डिक्लाइन। नॉट ओनली दिस, द मिल्क दैट यू आर ड्रिंकिंग, आई मस्ट टेल यू कि उसके अंदर पस होता है, बहुत सारा पस, और इस पस का साइंटिफिक नेम है सोमेटिक सेल। और गवर्नमेंट के द्वारा इसके अंदर एक लिमिट लगाई गई है कि केवल इस सर्टेन अमाउंट तक आप पस को दूध में डाल सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा पस हमारी बॉडी के लिए खराब होगा। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिल्क, एक सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि पूरे वर्ल्ड की अबाउट 70% पॉपुलेशन और एशिया की 90% पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंट आखिर होता क्या है? लैक्टोज बेसिकली शुगर होता है जो कि मिल्क के अंदर पाया जाता है, और लैक्टोज इंटॉलरेंट का मतलब यह है कि हमारे अंदर वो एंजाइम्स नहीं है जो इस लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सलाइवा के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स हैं, ना कि लैक्टोज को, विच इज नेचुरल बिकॉज हमारी बॉडी गाय का दूध पीने के लिए नहीं बनी है। इट इज एविडेंट कि हमें दूध की जरूरत नहीं है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैं तो दूध पीता हूं, मुझे तो कुछ नहीं होता। सो आई मस्ट टेल यू कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा वेरी करती है। कुछ लोगों को पूरी तरीके से दूध पीना बंद करना पड़ता है, और बाकी लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा एक्ने, ब्लोटिंग, क्रैम्प, डायरिया, गैस्ट्रल प्रॉब्लम्स, ये सब होती है। और ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉमन है, और अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो अक्सर आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स आपको डेयरी प्रोडक्ट लेने से मना कर देते हैं। अब जब डॉक्टर्स की बात आई है तो आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ मैं आपको बता रहा हूं तो डॉक्टर्स ने क्यों नहीं आपको बताया। तो मैं आपको बता दूं कि इवन अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर 4 साल के कोर्स के अंदर, 4 साल के मेडिकल कोर्स के अंदर केवल और केवल 25 घंटे का न्यूट्रिशन का कोर्स होता है, विच मींस कि डॉक्टर्स को ये समझाया जाता है कि बॉडी को ट्रीट कैसे करना है, लेकिन बॉडी को प्रिवेंट कैसे करना है और हमारी डाइट का कितना बड़ा रोल है, ये डॉक्टर्स को नॉलेज नहीं है। एंड दैट इज द रीजन कि जब भी आप डॉक्टर के पास कोई बीमारी लेके जाते हो, कोई डॉक्टर आपको बैठते ये नहीं पूछता कि प्लीज टेल मी योर डाइट, आप सुबह क्या खाते हैं, शाम को क्या खाते हैं, दिन में क्या खाते हैं, कितना खाते हैं। ऑल दे केयर अबाउट इज द मेडिसिन एंड द ऑपरेशंस, बट द फैक्ट इज दैट द ओनली मेडिसिन दैट यू विल एवर नीड इन योर लाइफ इज डाइट एंड फूड। इफ यू आर ईटिंग प्रॉपर फूड विच योर बॉडी रिक्वायर्स, यू विल नेवर नीड अ डॉक्टर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गाय का दूध नहीं तो क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है? जी हाँ, ओट मिल्क, कैश्यू मिल्क, आलमंड मिल्क, सोए मिल्क, कोकोनट मिल्क, बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं जो काउ मिल्क से बहुत ज्यादा हेल्दी हैं और काउ मिल्क से बहुत ज्यादा सूटेबल हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। एक और बहुत बड़ा मिथ जो हमारे आसपास फैला हुआ है वो ये है कि बहुत ज्यादा सोया खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोजन पाया जाता है। बट अगेन द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ द मेजॉरिटी। सोया के अंदर एक्चुअली फाइटो एस्ट्रोजन पाया जाता है, और ये फाइटोएस्ट्रोजन आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, एंड इवन ये आपकी बॉडी के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर हुए इन्फ्लेशन को, जो केवल एनिमल प्रोडक्ट से होता है, अगेन एनिमल प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन करते हैं और ये उससे कम करता है। बट आयरनी ये है कि इतने सारे लोग जो सोया को लेके इतना कंसर्न रहते हैं वो हर दिन दूध पीते हैं, और दूध के अंदर होता है भर भर के एस्ट्रोजन, जो आपके एस्ट्रोजन लेवल को तो इंक्रीज करता ही है, विच कैन कॉज वेरियस डिजीजेस, लेकिन वो आपके टेस्टोस्टेरोन को भी डिक्रीज करता है, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। मैं आपको ये भी बता दूं कि दूध के अंदर जो मेन प्रोटीन पाया जाता है, विच इज केसीन प्रोटीन, तो केसीन प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर जाके जब डाइजेस्ट होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू
एनकेसिन मॉर्फिन। एनकेसिन मॉर्फिन कंपाउंड आपके ब्रेन के अंदर उस रिसेप्टर पर जाके अटैच हो जाता है जिस रिसेप्टर पर हीरोइन अटैच होती है, यानी कि केसिन मॉर्फिन इज अडिक्टिव। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केसिन मॉर्फिन किसी ड्रग जितना अडिक्टिव है, बट इट इज अडिक्टिव इनफ कि वो आपको वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग हैं जो चीज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। वी ऑल लव द टेस्ट ऑफ चीज एंड उसका मेन रीजन है केसिन मॉर्फिन। इन एडिशन टू ऑल ऑफ दिस, मिल्क आपके IGF लेवल यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को भी बहुत बढ़ा सकता है, विच इज अगेन वेरी अनहेल्दी फॉर यू। एंड आई विल से इट अगेन, गाय का दूध पीना ह्यूमन बॉडी के लिए नेचुरल नहीं है। वी डिसाइडेड कि हमें गाय का दूध पीना है और ये लार्ज स्केल पे शुरू हुआ आज से 5 से 6 हजार साल पहले, विच अगर ह्यूमन एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखे तो बहुत एक छोटा टर्म है। द ओनली मिल्क दैट वी नीड इज द मिल्क ऑफ आवर मदर। हर जानवर अपने बच्चे के लिए दूध देता है और अगर हम काऊ की केटल का बना हुआ ग्रोथ फ्लूइड अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू डू एनी जस्टिस टू आवर बॉडी। रादर उसके अंदर पाए जाने वाले ऑक्सीटोसिन, डायऑक्सिन, एनिमल प्रोटीन, केसिन, मॉर्फिन और बहुत सारे हार्मफुल कंपाउंड्स हमारी बॉडी को पूरी तरह खराब कर सकते हैं। नाउ ऑन द अदर हैंड, वीगन डाइट इज द ओनली डाइट जो पूरी दुनिया की टॉप 15 और 14 डिजीजेस में से मोस्ट ऑफ देम को न केवल क्योर कर सकती है बट उन्हें प्रिवेंट भी कर सकती है और बहुतों को रिवर्स भी कर सकती है। नॉट ओनली दिस, बट Did you know that a vegan diet, that a plant-based diet can improve your mood? Plants के अंदर पाया जाता है serotonin और dopamine. Serotonin को कहा जाता है happy hormone और dopamine के बारे में तो हम सब जानते ही हैं. केवल 2 वीक के लिए plant-based diet apply करने से आप देख सकते हैं कि आपका mood किस तरीके से बहुत ज़्यादा improve होगा. And if anyone opt for a vegan diet or a plant-based diet, उनका mood एक meat eater और एक animal product consumer से बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और आप बहुत खुश रहेंगे। इट इज ट्रूली द ओनली डाइट दैट यू शुड बी फॉलोइंग। वीगन डाइट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट डिजीज एंड एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने से यू विल ओनली फेस प्रॉब्लम्स। एक वीगन डाइट के अंदर आपको हर तरह का न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में मिल सकता है, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो कुछ भी हो। केवल एक कंसर्न जो बच जाता है वो है विटामिन B12 का। नाउ विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स हमें लेने पड़ते हैं, बट रिमेंबर कि विटामिन B12 की कमी वेजिटेरियंस में और नॉन वेजिटेरियंस में भी उतनी ही पाई जाती है जितनी एक वीगन्स में पाई जाती है। विटामिन B12 हमें अक्सर बहते पानी के अंदर या फिर प्लांट्स के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स के अंदर मिल जाया करता था, बट क्योंकि अब हम जो खाना खाते हैं वो बहुत साफ होके आता है तो विटामिन B12 उसके ऊपर से हट जाता है और इसीलिए हमें B12 की सप्लीमेंट्स एक टाइम के बाद लेनी ही पड़ती है। एंड इफ यू डोंट वांट द सप्लीमेंट्स तो विटामिन B12 फोर्टिफाइड बहुत सारे मिल्क आते हैं जिनमें ऑलरेडी ये चीजें डाली जाती हैं। सो दैट्स द ओनली कंसर्न दैट यू हैव। नाउ अगेन रिमेंबर कि जो इंसान सिगरेट पीता है जरूरी नहीं है कि उसे कैंसर हो, बट हाँ इट इज हार्मफुल फॉर हिम। तो अगर आप ये लॉजिक देंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मीट खाते हैं और दूध पीते हैं और उनको डिजीज नहीं हुई है, तो मैं वापस बोलूंगा कि उन लोगों की तादाद अभी भी जिन लोगों को बीमारियां हैं, फिर चाहे वो डायबिटीज हो, कैंसर हो, हार्ट डिजीजेस हो, ब्लड प्रेशर हो, बहुत ज्यादा आबादी है इन सब बीमारियों की इफ वी कंपेयर देम टू द पीपल हु आर हेल्दी। ऑन द अदर हैंड, इफ यू फॉलो अ वीगन डाइट, इट इज द हेल्दीएस्ट डाइट आउट देयर। अमेरिकन डायटरी एसोसिएशन, ब्रिटिश डायटरी एसोसिएशन और ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये प्रूव कर चुकी हैं द वीगन डाइट इज कम्प्लीटली हेल्दी फॉर यू एंड यू कैन ईजीली थ्राइव ऑन इट। जस्ट मेक श्योर कि किसी भी तरह का अनहेल्दी फूड जैसे कि ऑयल, शुगर, सॉल्ट या प्रोसेस्ड फूड आप अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा इंक्लूड ना करें, बिकॉज नो डाइट इज कम्प्लीटली बुलेट प्रूफ। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई ऑल्सो रिसेंटली सर्च the healthiest countries in the world and in sari healthiest countries mein se fir chahe wo Japan ho, Sweden ho, Greece ho ya Spain ho, yahan par plant based diet ko bahut acche se consume kiya jata hai. So again it is evident ki duniya ki sabse healthiest countries wo hain jahan par plants ka consumption bahut acche se kiya jata hai. Even Japan jo duniya ki sabse healthiest country mein se ek mani jati hai, wahan par globalization ke karan jaise jaise western diet ya fir animal products zyada aane lage, because initially they used to राइस एंड प्लांट्स विच वॉज प्रीडोमिनेंट, बट जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन के कारण वहां पे वेस्टर्नाइज होता गया फूड, उनकी हेल्थ ग्रेजुअली बिगड़ती गई। और एक
लास्ट चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि एक वीगन डाइट नॉर्मल डाइट से महंगी है, विच इज अगेन अ वेरी बिग मिथ, तो आप सरासर गलत हैं। जरा सोचिए, अगर आप किसी भी सुपरमार्केट में जाते हैं या कभी बाहर शॉपिंग करने जाते हैं तो सबसे सस्ती चीजें क्या होती हैं? सब्जियां, आटा, ग्रेन्स, दाल, चावल। और सबसे महंगी चीजें क्या होती हैं? चीज, पिज्जा, शेक्स, मीट। एंड लेट मी टेल यू कि अगर आप ये सोचते हैं कि मीट, एग या ये सारी चीजें सस्ती हैं, तो मैं आपको ये बता दूं दैट दीस कम्स एट अ वेरी हाई कॉस्ट। दे कम एट द कॉस्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट, आवर प्लेनेट, एंड दे कम एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन हेल्थ। एंड द ओनली रीजन कि ये प्राइस के मामले में सस्ती है इज द सब्सिडीज, बिकॉज एनिमल एग्रीकल्चर और एनिमल प्रोडक्ट हजारों लाखों करोड़ों रुपए की इंडस्ट्रीज है, तो सरकार से इनको बहुत ज्यादा सब्सिडीज मिलती है जिसके कारण ये अपने प्राइजेस को इतना लो रख पाते हैं। अगर ग्रेजुअली 4 सालों के अंदर जो शिफ्ट वेस्ट के अंदर देखा गया, 400-500% की वीगनिज्म की ग्रोथ, अगर वो ग्रेजुअली इंडिया में देखे जाने लगे तो वीगन ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होंगे और बहुत कम प्राइस में अवेलेबल होंगे। नाउ इट इज अ वेरी एस्टोनिशिंग थिंग फॉर मी कि इंडिया जैसी कंट्री जहां पर वेजिटेरियंस की पॉपुलेशन पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन से ज्यादा है, सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस यहां पाए जाते हैं, वो ग्रेजुअली मीट ईटर्स पे शिफ्ट हो रही हैं। और शायद उसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड एंड फूड चेन्स। प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस। नाउ द थिंग कम्स कि हम तो ओमनीवोर है ना, यानी कि हम प्लांट्स भी खा सकते हैं और हम जानवर भी खा सकते हैं, बट ह्यूमन की फिजियोलॉजी थोड़ा सा अलग कहती है। अगर आप हमारे जॉ मूवमेंट को देखें तो सारे के सारे कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स के जॉ मूवमेंट्स केवल वर्टिकल होते हैं क्योंकि उनका जॉ इतना ज्यादा मजबूत होता है कि वो रॉ मीट को चबा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी हर्बीवोर या फ्रूजीवोर को देखेंगे तो उनके जॉ मूवमेंट हमारी तरह होते हैं, यानी कि साइडवेज, और ये इसलिए होता है ताकि हम हमारे खाने को चबा चबा के अच्छे से खाएं और हमारा जॉ इतना स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है कि वो रॉ मीट को अच्छे से चबा सके। इवन अगर आप ह्यूमन टंग को देखेंगे तो बहुत सारे कार्निवोर और ओमनीवोर की ह्यूमन टंग जो है वो बहुत ज्यादा रफ होते हैं अपने मीट को और अपने फ्लैश को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, लेकिन ह्यूमंस का टंग बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। अगर आप बात करेंगे हमारे डाइजेशन की तो हमारे जो इंटेस्टाइन है वो कार्निवोर और ओमनीवोर से बहुत ज्यादा लंबे हैं। हमारी लॉन्ग इंटेस्टाइन का साइज 7-13 times होता है हमारी पूरी बॉडी से, और कार्निवोर और ओमनीवोर के इंटेस्टाइन बहुत छोटे होते हैं। कार्निवोर केवल 2-4 घंटे में डाइजेशन पूरा कर सकते हैं और ओमनीवोर 6-10 घंटे में, लेकिन ह्यूमंस को 12-18 घंटे लगते हैं डाइजेशन को पूरा करने के लिए, और हमारा डाइजेस्टिव एसिड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो बिना चबाए हुए रॉ मीट को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। और ये जो हमने इंटेस्टाइन की बात करी, दिस इज द मेन रीजन कि हमारे क्लॉग आर्टरीज की प्रॉब्लम आती है हार्ट के अंदर। एक रियल ओमनीवोर या कार्निवोर की आर्टरीज कभी कोलेस्ट्रॉल से क्लॉग नहीं होंगी, क्योंकि पहली बात उनका डाइजेशन बहुत ज्यादा तेज होता है, उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है और उनके एसिड जो होते हैं डाइजेस्टिव वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये बहुत नेचुरल है कि हम मीट खाने के लिए या फिर दूध पीने के लिए नहीं बने हैं। इवन अगर आप हमारे दांतों की बात करें तो मे बी आप बोलेंगे कि हमारे पास केनाइंस हैं, बट आप ध्यान से देखिए, क्या सच में वो केनाइंस हंटिंग के लिए बने हैं? नहीं, वो केनाइंस हैं ताकि हम फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को अच्छे से खा सके और उन्हें तोड़ सके। हमारे दांत फ्लैट हैं, हमारे दांत ब्लंट हैं, हमारे दांत छोटे हैं एक हर्बीवोर या फ्रूजीवोर की तरह। एक ओमनीवोर और कार्निवोर के दांत हमसे बहुत ज्यादा अलग होते हैं। एंड इवन हमारे पास कोई भी तरह का वेपन नहीं है। हर एक कार्निवोर और ओमनीवोर के पास या तो शार्प क्लॉज होते हैं या उनमें बहुत ज्यादा फुर्ती होती है या उनका विजन हमेशा एक मोशन को सीक करने के लिए होता है और उनकी नोज के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल सेंस करने की कैपेबिलिटी होती है। ह्यूमंस ऑन द अदर हैंड वी हैव ट्राइक्रोमेटिक विजन, विच मीन्स कि हमारी आंखें कलर्स देखने के लिए बनी है, एंड कार्निवोर और ओमनीवोर की आंखें डायक्रोमेटिक होती है क्योंकि उन्हें केवल स्पीड से मतलब है, उन्हें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चूज नहीं करने हैं, तो उनकी आंखें कलर को लेकर इतनी सेंसिटिव नहीं है। एंड हम एज ह्यूमंस इतने कैपेबल नहीं है कि अगर हमारे सामने किसी रेनडियर को, किसी चिकन को, किसी बफेलो को रख दिया जाए तो हम उसे बिना किसी हथियार के खुद मार के खा सके। इवन इफ वी टॉक अबाउट द स्वेट, तो यूजुअली कार्निवोर और हर्बीवोर अपनी जीभ से स्वेट को बाहर निकालते हैं, लेकिन हर्बीवोर, फ्रूजीवोर और ह्यूमंस के पसीने आते हैं पोर्स में से। तो ये सारी चीजें साफ साफ सजेस्ट करती हैं कि हमारी फिजियोलॉजी एक हर्बीवोर या एक फ्रूजीवोर से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है और हम किसी भी तरह के एनिमल प्रोडक्ट के लिए नहीं बने हैं। एंड लास्ट में एक कॉमन सेंस वाली बात, अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, सडनली आपके सामने कोई भी जानवर आ जाए, फिर चाहे वो एक चिकन हो, फिर चाहे वो एक गाय हो, फिर चाहे वो एक डॉग हो, कोई भी जानवर, क्या आपका मन होगा
कि आप उसे खाएं? क्या उसे देख के आपको भूख लगने लगेगी? क्या आपका मन करेगा कि उसी समय उस जानवर को काट के वहां पे खा लिया जाए? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो इंस्टिंक्ट्स नहीं है। वी हैव जीरो कार्निवोर और ओमनिवोर इंस्टिंक्ट्स। एक छोटे से बच्चे को जिसे पता नहीं है कि क्या खाना सही है और क्या खाना गलत है, उसके सामने अगर आप एक चूहा रखें और एक एप्पल रखें, अनडाउटेडली वो एप्पल को खाएगा और चूहे से खेलेगा, ना कि चूहे को खाएगा और एप्पल से खेलेगा। वी लैक द इंस्टिंक्ट ऑफ अ वाइल्ड प्रेडेटर। वी आर नॉट प्रेडेटर्स एंड वी नॉट एट ऑल नीड एनी काइंड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट। If I talk about myself, तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे फेस पे एक्ने था and I was overweight, non-vegetarian खाते टाइम। But when I left non-vegetarian, एक साल तक I felt much better. But the real magic occurred when I turned into a vegan. And उसके बाद instantly I had so much energy. मैं पूरी रात जगा करता था, because I am a filmmaker, तो मैं पूरी रात movies देखता था और सुबह I used to jog. अब मैं आपको बता दूं कि vegan बनने से पहले मेरे लिए 500 मीटर भी लगातार भागना एक बहुत बड़ी बात थी। और अगर मैं कभी एक्सरसाइज भी किया करता था तो मेरी पूरी बॉडी के अंदर आई यूज्ड टू फील पेन पूरे दिन। बट अ प्लांट बेस्ड डाइट चेंज एवरीथिंग फॉर मी। वीगन बनने के बाद में मैं रोजाना सुबह 6 बजे नंगे पैर घास के ऊपर 10-10 किलोमीटर बिना रुके भागा करता था। एंड आई स्वेयर टू गॉड, मेरे लिए वो जादू से कम नहीं था, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी एनर्जी फील नहीं करी थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक घंटा लगातार बिना रुके भाग पाऊंगा। मेरी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है, मेरा बहुत अच्छा खासा वेट लॉस हुआ है एंड आई फील एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड एक्सट्रीमली हैप्पी एंड हेल्दी जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लांट बेस्ड डाइट। तो एनिमल एग्रीकल्चर का हमारी खुद की हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब हमारा लास्ट एस्पेक्ट है मॉरल्स एंड एथिक्स। तो मैं आपको बता दूं कि अब आप जो विजुअल्स देखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, लेकिन वो सच के बहुत करीब है और ऐसा पूरी दुनिया भर में हर रोज होता है। और ये केवल इसलिए होता है क्योंकि हम जैसे कंज्यूमर्स डेली बेस के ऊपर एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इवन इफ यू वॉन्ट टू लुक अवे, प्लीज डोंट, बिकॉज दिस इज द लीस्ट दैट यू कैन डू एंड दिस यू ओन टू दीज एनिमल्स। यू हैव टू नो द ट्रूथ एंड यू मस्ट बी एबल टू एम्पथाइज और सिंपथाइज विद दीज क्रिएचर्स ऑफ गॉड। हर जानवर की तरह एक गाय दूध केवल तब प्रोड्यूस करती है जब उसका बच्चा होता है, और वो दूध सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए प्रोड्यूस करती है। लेकिन गाय के बछड़े के पैदा होते ही उसके बच्चे को सिर्फ कुछ ही घंटों में उससे दूर कर दिया जाता है। अगर वो एक मेल काफ है तो उसे कुछ ही दिनों में स्लॉटर हाउस में भेज दिया जाता है मीट कंजम्पशन के लिए या फिर लेदर के लिए। ऑल दो इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बीफ बैंड है, लेकिन कई सारे बॉर्डरिंग नेशंस में और इवन हमारे इंडियन स्टेट्स में स्लॉटरिंग अलाउड है। अपने बच्चे से दूर होने के बाद हर गाय काफ़ी दिनों तक डिप्रेशन में रहती है। इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के कारण गाय की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है ताकि गाय का दूध उसके बच्चे की जगह हम पी सके। एक गाय को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के प्रोसेस से, सीधी भाषा में कहूँ तो उनका रेप करके उनको प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि वो बार बार एक बच्चा दे और ताकि वो बार बार दूध प्रोड्यूस कर सके, और हर बार उनके बच्चे को उनसे छीन लिया जाता है ताकि उनका दूध फिर से हम पी सकें। और हर डेयरी फार्म के अंदर दूध हाथ से नहीं निकाला जाता है, डेयरी फार्म्स के अंदर मशीनों का यूज़ किया जाता है जिन्हें अक्सर घंटों तक लगाकर छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण गाय को बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है और अक्सर उनके कई तरह की इन्फेक्शंस और बहुत बुरी सूजन होने लगती है। ऑल दो मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पर गाय को एक फैमिली मेम्बर की तरह माना जाता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि उस समय भी उस गाय को बांध कर एक घर में कैद रखा जा रहा है। हमें बचपन से बताया जाता है दैट काउ गिव अस मिल्क। ये शब्दों का बहुत गलत इस्तेमाल है। काउ डज नॉट गिव अस मिल्क। वी डोंट हैव द कंसेंट
we take away the milk. So no matter what the case is, we still are using the animal as our slave. एक गाय की उम्र 15 से 20 साल की होती है, लेकिन डेयरी फार्म के टॉर्चर के कारण कई बार वो केवल 6 से 7 सालों के अंदर ही अपना दम घोट देती है। और जो गाय बच जाती हैं और दूध देने की क्षमता खो देती हैं, उन्हें या तो बॉर्डरिंग नेशंस पे या जिस स्टेट्स में स्लॉटर अलाउड है मीलों तक चलाया जाता है, उन्हें वहाँ पर लेके जाया जाता है। इस समय तक गाय बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती हैं, उनकी मेंटल स्टेट और उनकी फिजिकल स्टेट बुरी तरह से ख़राब हो चुकी होती हैं। इस कारण से कई बार उन्हें चलने में बहुत दिक्कत आती है और इसीलिए अक्सर उनकी पूंछ को तोड़ा जाता है, उन्हें बहुत बुरी तरह मारा जाता है, उनकी आँखों में मिर्ची डाली जाती है ताकि वो उठकर खुद स्लॉटर हाउस तक जा सकें। मेल चिकन्स के पैदा होते ही उन्हें एक मशीन के अंदर कुचल के मार दिया जाता है, और जिन चिकन्स को ब्रीड किया जाता है अक्सर उनका वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ना वो चल पाते हैं और ना वो ढंग से सांस ले पाते हैं। अक्सर उन्हें इतने छोटे पिंजरों में रखा जाता है जहाँ पे थोड़ा सा भी मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और किसी भी जानवर को मारते समय किसी भी तरह के एनेस्थीसिया का यूज़ नहीं किया जाता है। और इस तरह का इनह्यूमेन बिहेवियर इन जानवरों के प्रति हर जगह और हर जानवर के ऊपर किया जाता है।
हर दिन 3 बिलियन जानवरों को इसी तरह बेरहमी के साथ और दर्द के साथ मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि हम ह्यूमंस उनका कंजम्पशन कर सके या उनके किसी बॉडी पार्ट का इस्तेमाल कर सके। हर साल 6,500 करोड़ चिकन्स को मारा जाता है, लगभग 300 मिलियन फार्म फिश को मारा जाता है, जो फिगर हर साल ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस में पहुंचता है। लगभग 1 करोड़ डक्स हर दिन मरती हैं। हर दिन 40 लाख पिग्स और 30 लाख रैबिट्स को मारा जाता है, और न जाने कितने तरह के अनगिनत जानों को हर दिन लाखों और करोड़ों की संख्या में मार दिया जाता है। अक्सर जब मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं एक वीगन हूँ और मैं एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करता हूँ, तो लोग अक्सर सोचते हैं कि या तो ये स्टूपिडिटी है या फिर ये कोई अडोरेबल सी चीज़ है। लेट मी टेल यू, दिस इज़ द बिगेस्ट होलोकास्ट दैट हैज़ एवर हैपन्ड इन द हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट अर्थ। अगर इसे हम कंपेयर करें फ्रॉम द एरा ऑफ हिटलर, जहां पर लाखों ज्यूस को मारा गया था नाजीस के द्वारा, तो वो कुछ भी नहीं है। ये मासूम जानवर हर सेकंड, हर मिनट लाखों की तादाद में मारे जा रहे हैं। There are a lot of similarities between the way the Nazis were killing our people and the way that we kill animals. For one thing, the identification of the victims by tattooing or branding their skin. For another was the use of cattle cars to transport our people to the gas chambers. The crowded housing in wood crates. The deception and hiding of the crime behind slaughterhouse walls or death camp walls. We feel entitled to artificially inseminate a cow, and when she gives birth, we steal her baby, even though her cries of anguish are unmistakable. And then we take her milk that's intended for our calf, and we put it in our coffee and our cereal. आप में से कई लोग बोलेंगे कि अगर ये इतना गलत है तो ये सब लीगल क्यों है। सो लेट मी टेल यू दैट लीगैलिटी डज नॉट मींस मोरालिटी। स्लेवरी 300 से 400 साल तक लीगल थी। पीपल एक्सेप्टेड कि जिन इंसानों का कलर काला है वो हमसे इन्फीरियर हैं और हम उनसे कोई भी काम करा सकते हैं। उन्हें नौकरों की तरह रखा जाता था, उनका रेप किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था और उनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता था। और क्योंकि ये 300-400 सालों तक चलता था, तो बिना सवाल पूछे सोसाइटी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर विमेन राइट्स और LGBTQ कम्युनिटी के राइट्स अभी भी नहीं दिए जा रहे हैं, और वहाँ कई चीज़ें इलीगल हैं जो मॉरली गलत है। अगर आप खुद को कंपेयर करते हैं दूसरे कार्निवोरस से जो दूसरे जानवरों को शिकार करके उन्हें खाते हैं, तो हम ये ऑलरेडी जस्टिफाइड कर चुके हैं कि ऑल्दो वी आर कंसिडर्ड ओमनिवोर्स, वी लैक ऑल द मेजर फंक्शंस ऑफ अ कार्निवोर। और इवन दो हमें ओमनिवोर कहलाया जाता है, हमारे लिए एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम करना नेसेसरी नहीं है, बट वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, एनवायरमेंट के लिए बहुत बुरा है, और सबसे बड़ी बात, हमें कोई हक नहीं है, आई रिपीट, हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी भी जानवर को जस्ट बिकॉज वी कैन हम उनका गलत इस्तेमाल करें और उन्हें जैसे चाहे खुद के लिए यूज करें। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि हम किसी भी जानवर को इंसानों की लाइफ से कंपेयर करें। ऑल द टाइम सेइंग इज कि किसी भी जानवर का राइट टू लाइफ हमारे टेस्ट बड्स से ऊपर होना चाहिए। As human species, you can feel or you can say that we are the most superior species on this planet. Lekin, हर जानवर जो sentient being है, जो conscious है, जिसमें emotions feel करने की capability है, जिसके vested interest है, उसकी जिंदगी का पूरा पूरा हक सिर्फ उसके हाथ में है, ना कि हमारे हाथ में। दुनिया में ऐसा कोई religion नहीं है जो ये mandate करता हो कि आपको animal product consume करने ही है। हर religion के अंदर केवल पीस को प्रमोट किया जाता है, और ये कहा जाता है कि दूसरों को सिर्फ वैसे ट्रीट किया जाए जैसा तुम खुद को ट्रीट होते हुए देखना चाहते हो।
ऑलमोस्ट हम सब दूसरे जानवरों का सिर्फ और सिर्फ भला चाहते हैं। हम सब लोग इननेट एनिमल लवर्स होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सट्रीमली कंपैशनेट बीइंग्स, बट वी आर ऑल्सो सोशल बीइंग्स एंड दैट्स वाई हमें बचपन से जो खिलाया जाता है, जो पिलाया जाता है, जो सिखाया जाता है और जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, हम ब्लाइंडली उसे फॉलो करने लगते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है चाइना के बारे में या किसी और कंट्री के बारे में बिच करते हुए कि किस तरीके से वहाँ पर एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है, बट द रियलिटी इज कि एक ग्लास दूध के अंदर उतनी ही क्रुएल्टी और उतना ही टॉर्चर है जितना कि एक मीट के टुकड़े में है। बट आई विल गो इवन अ स्टेप फर्दर एंड से कि एक ग्लास के दूध में एक मीट के टुकड़े से ज़्यादा टॉर्चर है और उससे लंबा टॉर्चर है। किसी भी बच्चे को उसके माँ बाप ये नहीं सिखाते हैं कि हमें जानवरों को मारना है या हमें उन्हें हर्ट करना है। इवन FBI सीरियल किलर्स के चाइल्डहुड बिहेवियर को ट्रैक करती है और अगर किसी भी बच्चे को शुरू से जानवरों को हर्ट करने में मजा आता है तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर माना जाता है कि बड़े होके वो एक क्रिमिनल बन सकता है। वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल नेचुरल। जस्ट बिकॉज बहुत टाइम से ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इट डजंट मेक इट नेचुरल एंड थिंग्स आर चेंजिंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर नॉन वेजिटेरियन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। अपने टेस्ट के लिए और अपने कन्वीनियंस के लिए जानवरों के साथ इस तरह के बर्ताव को जस्टिफाई करना बंद करिए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। और याद रखिए, अगर दुनिया की सारी हनी बीज मर जाए या दुनिया के सारी चींटियां मर जाए तो दुनिया की हर स्पीशीज कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर दुनिया का हर एक इंसान मर जाए, द अर्थ विल फ्लरिश। तो हम सुपीरियर नहीं है, हम सिर्फ इस नेचुरल साइकिल का एक छोटा सा पार्ट है। और लास्ट के अंदर मैं केवल एक पॉइंट रेस करना चाहूंगा कि आप में से जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि इवन वीगनिज्म के अंदर हम प्लांट्स को मारते हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस दैट प्लांट्स आर इनसेंटिएंट बीइंग्स, व्हिच मींस उनके पास ब्रेन और एक नर्वस सिस्टम नहीं है जिससे वो किसी भी तरह के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को या किसी भी तरह के पेन को फील कर सके। दे डोंट हैव इंटरेस्ट, इमोशन, फीलिंग्स और द एबिलिटी टू फील पेन। दे आर इनसेंटिएंट बीइंग्स। एंड एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो प्लांट्स को किसी भी तरह के पेन को फील करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज किसी भी सेंटिएंट बीइंग को पेन सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो नेसेसरी एक्शन ले सके खुद को बचाने के लिए। एंड बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट मूव, उन्हें कुछ भी पेन हो तो वो उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। एंड दैट्स वाई देयर इज अ बिग 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 डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड द एनिमल किंगडम, बिटवीन सेंटिएंट बीइंग्स एंड इनसेंटिएंट बीइंग्स। एंड अगेन ऑफकोर्स एक इंसान का सर्वाइवल उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमें कुछ तो खाना पड़ेगा, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट्स आर नॉट नेसेसरी। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज करने से 75-80% एग्रीकल्चर ऑलरेडी केवल प्लांट्स को खिलाया जा रहा है, तो हम प्लांट्स का भी डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो प्लीज, दिस इज हाई टाइम, ओपन योर आइज। इट इज हाईली अनलाइकली कि एक डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद आप अपनी 20, 30, 40, 50 साल की जो आदतें हैं उनको छोड़ देंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे ये भीख मांगता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आप वीगनिज्म के ऊपर खुद सर्च करिए, उसके हेल्थ, एनवायरमेंट और जानवरों को कैसे ट्रीट किया जाता है उसके बारे में सर्च करिए। 100 घंटे नहीं, एटलीस्ट 1 घंटा इसको दीजिए। मेरी सारी रिसर्च आपको मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस ये ध्यान रखिए कि क्या वो एक ऑथराइज्ड और वेरीफाइड मेटा एनालिसिस स्टडी है, पीयर रिव्यू स्टडी है, या फिर सिर्फ किसी का ओपिनियन है, या केवल एक सिंगल इंडिविजुअल स्टडी है जिसका कोई बेस नहीं है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी कि उस स्टडी को स्पॉन्सर किसने किया है, क्योंकि अक्सर ये हजारों करोड़ों रुपए की एनिमल इंडस्ट्री, चाहे वो डेयरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो मीट इंडस्ट्री हो, स्टडीज निकालती रहती है लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए कि एक्चुअल में एनिमल प्रोडक्ट्स हमारे लिए necessary है, which is not at all true. So please beware. आपको इंटरनेट पे हर तरह की स्टडी और हर तरह के स्टेटमेंट मिलेंगे, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री ये जानती है that if you cannot convince the consumer, simply confuse them. और बस थोड़े से कंफ्यूजन के साथ आप अपने सभी कंज्यूमर्स को वापस से अपनी पुरानी लाइफस्टाइल पे ले आएंगे without questioning anything. Always research thoroughly and then
चूज वाइसली कि सच क्या है. वीगनिज्म इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू सेव द वर्ल्ड एंड टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, नॉट जस्ट फॉर ह्यूमंस बट फॉर एवरीवन. सो प्लीज बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड.